वेलकम टू फिट गाइडर जी। दोस्तों, मैं आपको आज बताने वाला हूँ आप अपना कान कैसे हेल्दी रख सकते हैं, क्योंकि बहुत जन को कान की समस्या का प्रॉब्लम होता है। तो इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखिए, मैं एक मेन अंग है कान और नाजुक भी है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है कान में तो आपको बहुत दिक्कत होता है। तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, देखिए, बहुत जन हेडफोन लगाकर ज़्यादा आवाज़ में गाना सुनते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। अगर आप गाना भी सुनते हैं तो कम आवाज़ में सुनिए या हेडफोन लगाना छोड़ दीजिए। आप ऐसे भी गाना सुन सकते हैं या वीडियो देख सकते हैं, या बहुत ज़्यादा देर तक फ़ोन पर बात करते रहना तो आपको स्पीकर ऑन करके बात कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर तक आप फ़ोन लगाकर बात करेंगे तो इससे भी आपके कान में प्रॉब्लम होता है। और ध्यान रखिए कि नहाने के टाइम कान में पानी ना जाए, और अगर जाता भी है तो साफ करना है आपको सूखे कपड़े से। और 2017 के अमेरिका के शोध में पाया गया है कि 12,000 बच्चे कान के वजह से अस्पतालों का चक्कर लगा चुके हैं। तो इसलिए आपको ज़्यादा कान पर ध्यान देना है, उसको कैसे हेल्थी रखा जाए, क्योंकि बहुत जन को कान का प्रॉब्लम होता है तो घरेलू नुस्खे अपनाते हैं। क्योंकि कान में मेल भी होता है, दो मेल होता है, एक सूखा मेल और एक गीला मेल। सूखा मेल तो आप घर पर निकाल लेंगे, पर गीला मेल को निकालने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और ज़्यादातर कान का प्रॉब्लम होता है नाक के वजह से और गले के वजह से, सर्दी जुखाम। और दोस्तों, अगर आपके कान में मेल है तो उसको ज़रूर साफ करना, नहीं तो मेल के वजह से आपको ऊंचा सुनाई पड़ता है। और कोई जगह पर ज़्यादातर आवाज़ होता है, नॉइस पॉल्यूशन होता है, तो उस जगह पर आपको अपने कान को सेफ रखना है, क्योंकि नॉइस पॉल्यूशन से भी आपका कान दर्द करता है। और कुछ घरेलू नुस्खे जैसे कि हाइड्रोजन पेराऑक्साइड आप पानी में मिलाकर कान में ले लीजिए, फिर कान को उल्टा कीजिए जिससे पूरा गंदा निकल जाएगा, या गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर रुई के मदद से आप अपना कान साफ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप ये सब पर ध्यान देंगे तो इससे आपका कान स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा। अगर आप ज़्यादातर कान पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि बहुत जन को दर्द होता है, कान का बहुत तरीके का प्रॉब्लम होता है, तो ध्यान नहीं देते तो आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए आप सही टाइम पर कान पर ध्यान दीजिए, कभी भी जब प्रॉब्लम हो, तो इससे आपका कान हेल्दी रहेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।